इस वीडियो के द्वारा ना तो सती प्रथा का समर्थन किया गया है और ना ही इसका महिमा मंडन। ये वीडियो केवल लोगों की आस्था और विश्वास के प्रतीक प्राचीन मंदिर के दर्शन मात्र है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेलो फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस अस ऑल। पांडुपोल में हनुमान जी के अनुपम दर्शन का प्रसाद पाकर शाम होते होते हम पहुंचे दिन के आखिरी पड़ाव श्री नारायणी धाम। ये मंदिर मैडम 1067 साल पुराना है जी। यह प्राचीन मंदिर गोला का बास को टहला से जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है। इसकी दूरी अलवर से लगभग 85 किलोमीटर, पांडुपोल मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर और भानगढ़ किले से लगभग 11 किलोमीटर है। यह मंदिर सती नारायणी माता को समर्पित है और भारत के प्रथम सती स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर के पास एक छोटा सा बाजार है जहां भेंट प्रसाद और खिलौने आदि की दुकानें हैं। मंदिर के लिए प्रसाद लेकर इन दुकानों के आसपास आप अपनी कार सेफली पार्क कर सकते हैं। हमने अपनी कार विशाल पार्किंग स्पेस में पार्क की, जो कि हमारी गलती थी। वापसी में यहाँ के बंदरों ने कार को बुरी तरह से गंदा कर दिया था। कहा जाता है कि करौली जिले में राजा मोरध्वज की नगरी गढ़मोड़ा गांव में शिव भक्त विजयराम और रामवती जी के घर एक कन्या करमेती का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी विक्रमी संवत 1006 को हुआ। उन्हें ही नारायणी माता के नाम से जाना जाता है। नारायणी माता का ससुराल अलवर जिले की थाना गाजी तहसील में राजौड़गढ़ गांव में था। इस गांव को हमने अपने नीलकंठ महादेव जी वाले वीडियो में दिखाया था। पहली नज़र में ये मंदिर आजकल के आम मंदिरों जैसा ही लगता है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि पुराने ढांचे को नई टाइलों से ढक दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम अलवर से 85 किलोमीटर की दूरी पर नारायणी माता के मंदिर में पहुंच चुके हैं और हमारे पास पूर्णमल सिंह जी खड़े हैं और इस मंदिर के इतिहास के बारे में ये हमें कुछ बताएंगी। नमस्कार जी। हाँ जी, बताइए इस मंदिर के बारे में कुछ। ये मंदिर मैडम 1067 साल पुराना है जी। यहाँ पे माँ नारायणी जो कि अपने ससुराल जा रही थी अपने पियर से पहली बार गौना होके, तो उनके हस्बैंड और वाइफ दोनों आ रहे थे। यहाँ दोपहर में वो रुके और यहाँ बड़ के पेड़ के नीचे विश्राम करने लग गए। वो विश्राम के दृष्टि में ही वहाँ से एक काल सर्प आया और उनके हस्बैंड को सर्पदंश से मृत्यु हो गई जी। माता जी उस टाइम बगल से बैठी थी, उनको ये पता नहीं था कि घटना हमारे संग घट चुकी है जी। उन्हें इस पहाड़ी पार करके और राजौरगढ़ जाना था। पियर था माता जी का गढ़मोरा और राजौरगढ़ ससुराल थी माता जी की। ये बहुत विकट बने हुई स्थिति थी। यहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिखता था। यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी किसी तरह का और जंगली हिंसक जानवरों का यहाँ आज भी और उस समय भी अधिकांश डर रहता है। यहाँ पे क्या है, ये पूरा सरिस्कस वन क्षेत्र आता है जो कि अलवर के क्षेत्र में पड़ता है और ये राजा महाराजा जमानों से शिकार कहा रही है। ये जलधारा आप देख रहे हैं जो 1067 साल से लगातार जिस दिन से माता जी यहाँ पे विराजमान है उस दिन से ये जलधारा निर्मल जल की तरह सुशोभित तरह से चलती जा रही है। इससे ये जीवनदायिनी या मोक्षदायिनी भी यहाँ बोल सकते हैं क्योंकि इसको गंगा के समान ही पवित्र पानी माना गया है।
ये धाम जैसे कि अपने किदवंती है मातेश्वरी यहाँ पर ही सती हुई थी और यहीं पे माता जी का मोक्ष हुआ था और यहीं से ही माता जी यहाँ पे उन्होंने जब किसी ने मन्नत मांगी कि माता जी हमें यहाँ पे पानी नहीं है दूर दूर तक भी तो आप पानी की व्यवस्था करें तो उन्होंने कहा था कि मेरी चिता से एक लकड़ी लेके भागो तो वो लोग 1.25 किलोमीटर तक भागे और पीछे मुड़ कर देखा तो वहीं ये जलधारा समाप्त हो गई। ये कुंड जो आप देख रहे हैं पास में सामने इसको जगमोहन कुंड बोलते हैं मैडम जी। ये जगमोहन कुंड में सर्दियों में गर्म पानी आता है जिस तरह सूरज जी चढ़ते जाएंगे उस तरह ये पानी ठंडा होगा और जिस तरह सूरज जी नीचे जाएंगे उस तरह ही गर्म होता चल जाएगा। ये इसी तरह सर्दियों में ये व्यवस्था है और गर्मियों में ये पानी ठंडा रहता है। ये यहाँ की प्राकृतिक स्थिति है। बहुत ही अच्छा मंदिर है। बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं। सैन समाज की माँ नारायणी कुलदेवी हैं। इसको हम लोग कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। हमारी आराध्य देवी और हमारे कुलदेवता के रूप में विराजमान है माता जी। आज भी हमारे लिए आज भी साक्षात उसी तरह हैं जिस तरह परमेश्वर सब संसार के लिए हैं। तो जो लोग माता जी के दर्शनों के लिए बाहर से आते हैं उनके लिए यहाँ पे रुकने की क्या क्या व्यवस्था होती है? यहाँ मैडम 4-5 संस्थाएँ काम करती हैं। यहाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करता है अखिल भारतीय नारायणी धाम प्रबंधक विकास महासभा समिति, जिसके अध्यक्ष अशोकी शरणा हैं जो हाल जयपुर के रहने वाले हैं। ये धर्मशाला के इंचार्ज हैं। आप सामने जो धर्मशाला देख रहे हैं पूरे कंपार्टमेंट, इसके वो इंचार्ज हैं। सामने DCM धर्मशाला है, उसके सामने सैन मंदिर जी है, सैन जी महाराज का जो मंदिर है। हमारे आराध्य देव हैं ये। ये संत हुए थे और इनको हम संत रूप में पूजते हैं। ये हमारे कुल गुरु मानते हैं इनको हम लोग। ऐसे ही आगरा की धर्मशाला है आगरा वालों की, कलकत्ता धर्मशाला है, यहाँ पे दिल्ली वालों की धर्मशाला है। इसमें जो भी यात्री आते हैं उनको रात्रि विश्राम की व्यवस्था है, प्लस अगर खाना बनाने की भी व्यवस्था है। जो लोग खाना नहीं ले के आते वो यहाँ खाना बना सकते हैं, आराम से नाइट कर सकते हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी की फ्रेश होने की सब व्यवस्थाएँ यहाँ पे ट्रस्ट एवं महासभा करती है। शुक्रिया जी। माता के मंदिर के बाहर ही एक प्राचीन शिव मंदिर भी है और इसमें हनुमान जी भी प्रतिष्ठित हैं। इनके अतिरिक्त शिव मंदिर की दीवार पर सिंदूर से ढकी प्राचीन प्रतिमाएं भी सुशोभित हैं। मंदिर के सामने की ओर कुंड है जिसके बारे में पूरणमल सैन जी बता रहे थे। हमारी विजिट के दौरान यहाँ पर जल का स्तर ना के बराबर ही था। कुंड की ओर से आने वाली इस जलधारा में पुरुष स्नान करते हैं और उधर दीवार के पार महिलाओं के स्नान की जगह है। गर्भगृह के सामने सिंह और वृषभ की प्रतिमाएं सुशोभित हैं। गर्भगृह की संरचना त्रिरथ पर आधारित है। शिल्प कला की शैली और मूर्तियों से मंदिर के 800 ईस्वी के होने का अनुमान लगता है। मंदिर की परिक्रमा के दीवारों पर अष्ट दिक्पाल और 3 शिव परिवार के देवी देवताओं की सिंदूर से ढकी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। गर्भगृह की पूर्वी दीवार पर द्वार के बाईं ओर इंद्रदेव और दाईं ओर ईशान देव विराजित हैं। क्लॉकवाइज जाने पर गर्भगृह की दक्षिणी दीवार पर अग्निदेव, गणेश जी और यमदेव, पश्चिमी दीवार पर निरर्ती देव, कार्तिकेय जी और वरुण देव, उत्तरी दीवार पर वायुदेव, मां पार्वती और कुबेर देवता की प्राचीन प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं।
गर्भगृह के अंदर दाईं ओर उमा महेश्वर जी की सिंदूर ठकी प्राचीन प्रतिमा प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण अलवर के राजा स्वामी जय सिंह ने अपनी रानी के पेट दर्द को दूर करने के लिए सपने में मिले माता जी के आदेश के कारण करवाया। गर्भगृह में पहले भोलेनाथ का प्राचीन शिवलिंग स्थापित है और उनके पीछे नारायणी माता की प्राचीन प्रतिमा प्रतिष्ठित है। भगवत कृपा से हमें यहाँ आरती देखने का अवसर मिला। नारायणी माता के सती होने में सहायता करने वाले ग्वाले मीणा समाज के थे, इसलिए प्राचीन काल से ही यहाँ पर मीणा समाज के पुजारी कार्यरत हैं। पहले यहाँ हर वर्ष वैसाख की एकादशी को मेला भरता था, लेकिन सन 1992 के बाद इस पर भारत सरकार की ओर से प्रतिबंध है। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।